नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान समझ से बालातर है। आवाम को दो माह के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलेगी, ये मंजूर नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं बिजली के बिल से आवाम को करंट लग जाता है, चाहते हैं महंगाई में आवाम को रिलीफ दें। अगले मरहले में मिडिल क्लास को सोलर पैनल्स देंगे। महंगाई बानी के एक गलत फैसले से जुड़ी हुई है। कराची वालों के लिए बिजली 3.09 रुपए यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर समाप्त मुकम्मल हो गई। नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। मंजूरी की सूरत में सार्फीन पर 6 अरब 20 करोड़ इजाफी बोझ पड़ेगा। बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा करना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ का क्वेटा में एपेक्स कमेटी इजलास का खिताब, कहा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कयादत में दहशतगर्दी खत्म करेंगे, पाकिस्तान दोबारा अपना मकाम हासिल करेगा, तरक्की की राह पर रवां दवां होंगे। पाकिस्तान का कलदम, टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे, तर्जुमान दफ्तर खारजा का मुतालबा। मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सख्त तफ्तीश है, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। में चिमनी इंडस हाईवे पर पुलिस और डाकुओं में मुकाबला, मोबाइल पर फायरिंग, 3 अहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की भारी नफरी तलब। नेशनल कोऑर्डिनेटर बराए नेक्टा ओहदे से फारिग हो गए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मोहम्मद ताहिर राय को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुहरा अरब में मुमकिन तूफान कराची के जुनूब की जानेब बढ़ने लगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने तूफान असना के 22 शहर में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। बारिशों के सबब अर्बन फ्लडिंग का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाकयात की इंक्वायरी के लिए कमीशन कायम करने का फैसला, हतमी मंजूरी वजीर आला अली अमीन गंडापुर देंगे। वजीर कानून आफ्ताब आलम कहते हैं अदलिया अगर इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम कर लेंगे। डेली मेल के आर्टिकल ने बानी पीटीआई के हकाइक दुनिया के सामने रखे। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं बानी पीटीआई की हकीकत दुनिया के सामने आया हो गई। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं अडियाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। अजमा बुखारी कहती हैं जो शख्स पूरे पाकिस्तान से ज्यादा मगरिब को जानता था आज मगरबी मीडिया उसे डिसग्रेस का लकब दे रहा है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम के लिए हिलाल इम्तियाज। ऐवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी हीरो को एजाज से नवाजा। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। बैनुल अक्वामी मार्केट में सोना महंगा होने के बावजूद मकामी बाजार में कीमत में कमी। 10 ग्राम सोना 1,886 रुपए सस्ता 2,24,194 रुपए पर आ गया।